हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विस्की प्रिया पे। मैं हूं आपको होस्ट अमित। दोस्तों आज है संडे और आज मैं आपके लिए एक बजट विस्की लेके आया हूं। मैंने सोचा कोई ऐसी विस्की लेके जाते हैं जो कि 500-600 की रेंज में मिल जाती है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑल सीजन विस्की। दोस्तों ये एक ऐसी विस्की है जिसने इंडिया में विस्की का कल्चर काफी ज्यादा एक्सपेंड किया है। बहुत ज्यादा सेल इसकी इंडिया में हुई है। बॉटल के ऊपर यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कि 5 मिलियन केसेस इन्होंने इंडिया में सेल कर दिए हैं। भाई 50 लाख केसेस, तो कुछ तो बात इसमें होगी, कुछ तो लोगों को इसमें पसंद आया होगा। वही चेक करेंगे कि लोगों को ये पीने में कैसी लगती है, इसका कैसा टेस्ट है और 500-600 में ये पीने के लिए कैसी रहेगी। दोस्तों वीडियो काफी मसालेदार होगी तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों ये है बॉक्स ऑल सीजन विस्की का। मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी सेल होगी ना भाई, तो लोगों ने इसको देखा ही होगा। इस साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे 22 इंटरनेशनल अवार्ड्स इसने जीते हुए हैं, उसके बारे में मेंशन है कि इसने 2019 में, 2018 में, 2020 में अवार्ड्स जीता है। तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है एक इंडियन विस्की के लिए कि उसने 22 इंटरनेशनल अवार्ड्स को जीता है। तो एक इंडियन विस्की है, ब्लेंडेड विस्की है जिसमें इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स और स्कॉच मॉल्ट का यूज किया जाता है। दोस्तों ये 750 ml की बॉटल है और ये आपको 500 से लेके 600 रुपए की वाइन स्टोर्स पे मिल जाएगी। मुझे ये 620 रुपए की मिली तो 600 की रेंज में ये मिल जाती है। इसके ऊपर जो मिनिमम रिटेल लिखी है ना भाई, वो 315 रुपए लिखी है। जी हाँ, पंजाब में काफी कम ये मिनिमम रिटेल है। बाय द वे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मिनिमम रिटेल प्राइस है, इसके ऊपर वो चार्ज कर सकते हैं। देखिए आप 315 ऊपर लिखे हैं और मुझे 620 रुपए की मिली है, तो ऑलमोस्ट डबल मिनिमम रिटेल से वो बेच रहे हैं। 450 की भी सेल कर सकते थे, 500 की भी, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे चोर बाजारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो 600 रुपए की मुझे मिली है। इसमें जो एल्कोहल स्ट्रेंथ हमें मिलती है ये 42.8% मिलती है, 42.8%। चलिए इंग्रीडियंट्स देखते हैं। डीमिनलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, उसके बाद स्कॉच मॉल्ट, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग और फ्लेवर्स दोनों डाले गए हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, जब इसकी पहली बार बॉटल लॉन्च हुई थी ना, तो ग्रीन कलर की बॉटल का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन जैसे इसने लॉन्च हुआ लोगों ने इतना ज्यादा इसको पिया, खरीदा। तो भाई ये जो ग्रीन कलर की बॉटल है ना, काफी ज्यादा वाइन स्टोर्स पे दिखना स्टार्ट हो गई थी और एक ट्रेंड सा बन गया था इस बॉटल का। पहले जब ये लॉन्च हुई थी तो इसके ऊपर ये जो कैप था ऐसे रोटेट करके खुलता था, लेकिन अब इन्होंने जो पैकेजिंग है ये चेंज कर दिया। चलिए इसको ओपन करते हैं और ग्लास में पोर करते हैं। इसके ऊपर सिक्योरिटी नोजल दी जाती है, चलिए थोड़ा सा डालते हैं। कलर इसका गोल्डन है, काफी बढ़िया एक ब्राइट सा कलर मुझे इसका देखने में लग रहा है। तो दोस्तों कलर इसका एक गोल्डनिश कलर है, काफी ज्यादा चमक है कलर में। देखते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कैसी है, इसकी लेग्स कैसी बन रही हैं। वैसे तो देखने में बिल्कुल ये सोने की तरह चमक रही है। ये इसकी जो लेग्स बन रही हैं, मेरे हिसाब से ये मीडियम बॉडी विस्की है। जी हाँ, इसकी मीडियम लेग्स बन रही है, जैसे कि आप देख रहे हो ये नीचे आ रही है काफी आराम से, तो इसकी मीडियम माउथ फील होने वाली है। चलिए करते हैं इसको नोज। चीयर्स। ऑन द नोज, जैसे ही आप इसको नोज करोगे एक जली हुई लकड़ी का आपको अरोमा इसमें से आएगा। हल्के से मैं बोलूंगा, हल्के से ड्राइड फ्रूट्स के भी अरोमा इसमें से आ रहे हैं। 42.8% इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें वो बाइट नहीं आ रही, वो भपका मुझे अल्कोहल का नहीं मिल रहा। तो भाई नोजिंग के ऊपर तो एक ठीक विस्की लग रही है, कोई भी हार्शनेस इसमें इतनी ज्यादा मुझे नहीं लग रही अकॉर्डिंग टू प्राइस। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। दोस्तों पीने में जैसे ही मैंने इसको पिया, वो जो जली हुई लकड़ी का मैं आपको एक अरोमा बता रहा था ना, वो टेस्ट पे भी पैलेट पे बिल्कुल विजिबल है। जी हाँ, हल्का सा स्मोक आपको मिलेगा और ये एक वार्म फीलिंग के साथ आपके अंदर जाएगी। जी हाँ, एक काफी अच्छी वार्म सी फीलिंग इसको पीने में आ रही है।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको नीट पियो भाई, बॉडी अपनी है, इसमें हल्का सा पानी जरूर ऐड करना। मैं भी करता हूं, चलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं। अब एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं। अभी तक तो अपने प्राइस के हिसाब से ये अच्छी लग रही है मुझे। पानी मिलाने के बाद भी इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, ठीक लग रही है ये। चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। चीयर्स। दोस्तों पानी मिलाने के बाद थोड़ी सी और वो जो स्मोकीनेस है इसमें विजिबल हो गई है, हल्का सा ये ओपन अप हो गई है, इसमें हल्के से फ्रूट्स के अरोमा आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक चीज मैं देख रहा हूं कि ड्रिंकेबल है, बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, पैलेट पे बर्न नहीं कर रही। जैसे मैं पी रहा हूं तो एक जलन नहीं मच रही इसको पीने के बाद। तो मेरे हिसाब से भाई ये बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी विस्की है, शायद इसी वजह से ये इतनी ज्यादा सेल में रहती है भाई। 500-600 रुपए में इजिली ये इंडिया में मिल जाती है और इस वजह से ये इतनी ज्यादा सेल में रहती है। आपके क्या विचार हैं इस विस्की को लेके, प्लीज नीचे कमेंट करना, और अगर आपकी भी ये फेवरेट है तो प्लीज नीचे आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।